नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आपको हम बड़ी खबर की तरफ ले चलते हैं। पंजाब की कमान अब किसके हाथ? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और जो रेस में सबसे आगे चल रहे उनका नाम है सुनील जाखड़। जी हां, 67 साल के सुनील जाखड़ पंजाब के नए सीएम बन सकते हैं। एक बड़ा सरप्राइज राहुल गांधी की तरफ से, क्योंकि सुनील जाखड़ को अगर आप देखें तो वो बलराम जाखड़ जो लगातार दो बार लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं 1980 से 89 के बीच, उनके बेटे हैं और जाट फैमिली से आते हैं। जी हां, सुनकर आश्चर्य होगा, पंजाब में जाट फैमिली जो राजनीतिक लिहाज से जिनका कोई ज्यादा वजूद नहीं है, एक सिख के बदले जाट नेता पर कांग्रेस ने दांव खेलने की कोशिश की है। रणनीति क्या होगी ये भी समझ लीजिए। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष सिख होगा नवजोत सिंह सिद्धू, और सरकार की कमान किसके हाथ में होगी? एक जाट नेता के हाथ में। और सुनील जाखड़ पार्टी से बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं। पहली बार 2002 में अबोहर से वो विधायक बने, इसके बाद लास्ट टाइम 2017 में, जब एक साल पहले 2016 में बलराम जाखड़ का निधन हुआ, तो 2017 में लोकसभा के उपचुनाव में उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की थी गुरदासपुर से। और मैं आपको बता दूं कि बलराम जाखड़ खुद, उनका जो प्रभाव था वो सिर्फ पंजाब में नहीं था, तो इसलिए नया सीएम अगर जाट होगा तो इसके पीछे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की पॉलिटिक्स भी आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि बलराम जाखड़ खुद दो बार सीकर से सांसद रह चुके। यही नहीं, 1998 में बलराम जाखड़ ने बीकानेर सीट से जीत हासिल की थी लोकसभा के चुनाव में।